दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान का प्लान के बारे में, जिसका साइज है 25x45। और ये आप जैसा कि देख पा रहे हो कि स्क्रीन पर ये बहुत ही बेहतरीन प्लान है जिसको हमने बनाया है। और यहाँ पर आपको विद कार पार्किंग और बेहतरीन सा आपको इस शुरुआत में स्टार्टिंग में आपको अच्छा सा स्पेस भी मिलेगा। और पूरा डिजाइन आज हम डिस्कस करेंगे जिसका साइज है 25x45 और बहुत ही बेहतरीन आपको उम्दा दिखने वाला है। तो चलो हम पूरा ये मॉडल जैसा कि आप देख पा रहे हो इसको डिफाइन कर लेते हैं, जिसमें हमने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर बनाया है। उससे पहले अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले से लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप लगातार देख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक मॉडल बनवाना, तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलो हम पूरा इस मॉडल को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आप फ्रंट से देखिएगा, ये आपको लुक दिखने वाला है। फ्रंट से टॉप व्यू इसका ऐसा है और साइड से आप देख सकते हैं ऐसा। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको इस मॉडल को, कोई भी मॉडल ट्रांसपेरेंट करके दिखाता हूं, तो मैं इसको फिर से ट्रांसपेरेंट करता हूं। देखिएगा, ये मॉडल पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। दीवारें इसकी हाइट होगी, आप इसे देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक, ये कैसा मॉडल आपको दिखने वाला है। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर मैंने मॉडल डिजाइन किया था। चलो इसकी ट्रांसपेरेंसी हम रिमूव कर लेते हैं। और जैसे इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव करते थे, ओरिजिनल पोजीशन पर फिर आ जाता ओरिजिनल पोजीशन पर। तो सबसे पहले इसके हम ग्राउंड फ्लोर पर आपको ले चलते हैं। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर, तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर बेहतरीन देख, फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा। और जैसे आप, ये मेन डोर है और यहाँ से ओपन स्पेस मैंने दिया है, ये थोड़ा डिजाइनिंग की है। जैसे आप यहाँ से एंटर करेंगे तो आपके पास ये बहुत ही बेहतरीन स्पेस विद कार पार्किंग, या दो कार आप खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेस दिया है मैंने लगभग 12 फिट का, 12 फिट इसकी लंबाई, ये तो आपका 25 ही रहेगा, ये 12 फिट है। तो आप आराम से दो गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। अब इसका ये मेन डोर दिख रहा होगा ग्लासेस का, आप जैसे यहाँ से एंटर करते हैं तो पीछे सबसे दो बड़े बड़े बेडरूम आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आप डाइनिंग का पूरा सिस्टम बना सकते हैं, क्योंकि बहुत स्पेस यहाँ बचने वाला है। ये आपकी स्टेयर्स हैं जो कि ऊपर जाएंगी, स्टेयर्स के नीचे मैंने कर दिया है लेटरिंग। और ये आपका दोस्तों किचन है, आप देख पा रहे हो इसमें, तो ये आपका किचन एंड बाथरूम, ये आपका लेटरिंग, ये स्टेयर्स, ये दो बेडरूम बेहतरीन से मिल जाते हैं। हर एक बेडरूम के अलग अलग डोर, उसके लिए अलग विंडो, क्योंकि यहाँ पर मैंने ओपन स्पेस पर ये घर बनाया है। अगर आप चाहते हैं और भी मतलब इस पे रूम डिजाइन करना, तो अब आगे जो मैंने ये डिजाइन किया है, इसे आप थोड़ा साइड से बनवा लें और यहाँ पर भी आप एक रूम डिजाइन करवा सकते हैं फ्रंट में, ये डिपेंड करता आप पर। तो इसमें आप कार भी पार्किंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं बेहतरीन से मॉडल में। तो ये तो होगी ग्राउंड फ्लोर की बात। अब फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें, तो फिर से आप देखिएगा, फर्स्ट फ्लोर आपको ऐसा दिखने वाला है। ये वाला पूरा पोर्शन सेम, ये पोर्शन आपको सेम मिलेगा, बस ये आपका बेहतरीन सा जो स्पेस आगे था थोड़ा सा कम, थोड़ा सा मतलब कि ओपन हो जाएगा पूरा ये मॉडल, देखिएगा और सारी चीजें वही डिफ जाएगा। तो ये पूरा मॉडल आप देख सकते हैं। लास्ट फ्लोर की बात करें, तो सिर्फ मैंने यहाँ पर बाउंड्री दे दी है चारों तरफ से और स्टेयर्स को ढक दिया है। तो ये पूरा मॉडल था 25x45 का। अगर आप चाहते हैं और भी रूम क्रिएट करना, तो जो आगे स्पेस है यहाँ पर आप साइड में एक रूम और क्रिएट करवा सकते हैं। तो ये पूरा मॉडल था 25x45 का। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर डिजाइन किया था। आप भी चाहते हैं कोई मॉडल डिजाइन करवाना, तो मुझे कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज इसको शेयर करें और वहां पर भी हमारे पेज को फॉलो कर लें, तथा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें।